हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे की मॉर्निंग और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लैबी टिश्यूज को। तो आप बोलेंगे कि मैम संडे को सुबह सुबह आप शुरू हो जाती हैं। तो वेलकम टू डेंटल पाठशाला, मैं हूं डॉक्टर संगीता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वल ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर्स। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट सीक्वेले क्या है हमारे, इनडायरेक्ट सीक्वेले क्या है। डायरेक्ट सीक्वेले में हमने डेंचर स्टोमेटाइटिस, फ्लैबी रेज, बर्निंग माउथ सिंड्रोम और रेजिडुअल विज रिजॉर्प्शन, गैगिंग और ओरल कैंसर के बारे में पढ़ा है। अब तक हम पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास डेंचर स्टोमेटाइटिस का पेशेंट आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, क्या पहले इटियोलॉजी देखेंगे कि क्या रीजन है हमारा कि डेंचर स्टोमेटाइटिस हुआ है, उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर कैसे हम ट्रीट करेंगे और अगर हमारा कैंडिडा इंड्यूस्ड हो चुका है तो हम उस केस में कौन कौन सी ट्रीटमेंट देंगे और किस केस में हम लोग सर्जरी करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा जोश में हूं मैं आज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैबी रिज की, फ्लैबी टिश्यूज की। तो फ्लैबी टिश्यूज जो है हमारा, ये डायरेक्ट सीक्वेल है ऑफकोर्स सीडी का। फ्लैबी टिश्यूज क्या है हमारा, फ्लैबी टिश्यूज है जो बहुत ज्यादा मोबाइल है। देखिए फ्लैबी क्या होता है, थलथला। तो मेरा बहुत मोबाइल और रेजिलियंट टिश्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेजिलियंट बोलूंगी मैं, रेजिलियंट नहीं बोलूंगी। तो जो मोबाइल टिश्यूज हैं हमारे, क्या है, बोन जो है वो रिप्लेस हो गया मेरे फाइब्रस टिश्यूज से। और हमारा जो ये मोस्टली किस वजह से हो रहा है, मेरा फ्लैबी टिश्यूज होता है इलफिटिंग डेंचर, अगेन जो सबसे ज्यादा सीक्वल है हमारे इलफिटिंग डेंचर की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले जो है फ्लैबी टिश्यूज कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा फ्लैबी टिश्यूज देखिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिला में मिलता है। अगर आगे हम लोग बनाएंगे कॉम्बिनेशन सिंड्रोम की अलग से वीडियो बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन सिंड्रोम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा एंटीरियर कॉम्बिनेशन सिंड्रोम में क्या होता है, सिर्फ नीचे नीचे के दांत जो होते हैं ना, लोअर एंटीरियर दांत जो होते हैं वो सबसे लास्ट में गिरते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो मेरा एंटीरियर मैक्सिला होता है उसमें लॉस ऑफ बोन होने लग जाता है, बोन घटने लग जाती है और मेरा ट्यूबरोसिटीज पे ओवरग्रोथ हो जाती है, उस वजह से पैपिलरी हाइपरप्लेसिया हो जाता है, ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली मेरी जो रिज है वो फ्लैबी हो जाती है, वो मेरी क्या हो जाती है, मोबाइल हो जाती है। अब देखिए अगर मोबाइल रिज होगी तो क्या होगा, मोबाइल रिज होगी तो बहुत मुश्किल होगा एक डेंचर को बिठाना, डेंचर क्या होगा, स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आएगी। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फ्लैबी टिश्यूज को सबसे पहले डायग्नोस करें, मोबाइल टिश्यूज को देखें और उसके बाद हम लोग मैनेज करें। तो अगर हम लोग देखिए, अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है, अगर आपने रेजिडुअल विज रिजॉर्प्शन की वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि मैं बोल रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेस्टिब्युलोप्लास्टी कर देते हैं, हम लोग एक्सीजन कर देते हैं, हम लोग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो सर्जिकली ट्रीटमेंट हम वैसे तो इन जनरल भी हम उतना ज्यादा अपने क्लिनिक्स में फॉलो नहीं करते हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि बीइंग अ प्रोस्टोडोंटिस्ट आप प्रोस्थेटिक, जो प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी पे अलग से हम लोग पूरा एक डिटेल लेक्चर कवर करेंगे। तो प्री प्रोस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रोसेसेस बहुत अच्छी हो, उसके लिए हम लोग उसको आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग सर्जिकली भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर हमारी रिज बहुत ज्यादा रिजॉर्व हो चुकी है, मेरी बोन बहुत ज्यादा रिजॉर्व हो चुकी है और मेरे पास क्या है, बोन ही नहीं बची है, उस केस में अगर मैं फ्लैबी टिश्यूज को निकाल दूंगी तो क्या होगा, मेरा वेस्टिबुलर डेप्थ खत्म हो जाएगी। मेरे वेस्टिबुलर डेप्थ खत्म होगी तो मेरी टेंशन कहां से आएगी मेरे डेंचर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग सर्जरी ऐसे प्लान करेंगे कि अगर हमारी रिजॉर्ब्ड रिज बहुत ज्यादा है, रिज रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, उस केस में हम लोग प्रोस्थेटिकली हम लोग मैनेज करते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है डेंचर का, ठीक है, जो पहले से डेंचर पहन रहा है, उसका जो है फ्लैबी टिश्यूज है, तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो तीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले की बात सर्जिकली हम लोग कवर कर चुके हैं कि सर्जिकली हम लोग कब करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हमारा रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन होगा तो हम लोग सर्जरी प्लान नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अगर हमारे पास पहले से पेशेंट जो है डेंचर के साथ आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, हम लोग रिकवरी कैसे करेंगे या फिर हम बोल दीजिए कंजर्वेटिव अप्रोच मेरी क्या होगी, ठीक है। तो उस केस में मेरी क्या होगी, हम लोग क्या बोलेंगे पेशेंट को, कुछ दिनों तक ऐसा बोलेंगे कम से कम 8 घंटे आप डेंचर नहीं पहनेंगे, ठीक है, ताकि जो जितनी भी इन्फ्लेमेशन डेंचर की वजह से हो रही है वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 8 घंटे तक बिना डेंचर के रहिए, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आप ना सॉफ्ट टिश्यू मसाज कीजिए, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए अगेन। तो सॉफ्ट टिश्यू मसाज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और वो बोलते हैं कि कम से कम 2 से 3 बार आप दिन में कीजिए,
ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं अगेन ल्यूक वॉर्म वाटर, हमेशा पूरा हर जगह ही देते हैं, तो ल्यूक वॉर्म वाटर के रिंस बोलते हैं हम लोग कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर इंडिकेटिंग पेस्ट, जो पेस्ट है एक उसमें प्रेशर पता चल जाता है कहां कहां पे हमारे डेंचर में प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग प्रेशर इंडिकेटिंग पेस्ट से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और प्रेशर स्पॉट्स को रिमूव कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वीडी को वर्टिकल डायमेंशन ऑक्लूजन को हम लोग रिस्टोर करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑक्लूजल डिसहार्मनी आ रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, क्लिनिकल रिमाउंट करते हैं दोबारा से, और फिर हम लोग ऑक्लूजल डिस्क्रिपेंसेस को करेक्ट करते हैं। और जो मेरा पुराना डेंचर है उसकी रीलाइनिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें टिश्यू कंडीशनर्स लगा के पेशेंट को भेज देते हैं, वो कुशनिंग का इफेक्ट देता है, तो हम लोग टिश्यू कंडीशनर्स क्या बोलते हैं पेशेंट को, हर 3 से 4 दिन में आके आप टिश्यू कंडीशनर्स चेंज कराइए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिकवरी पार्ट। अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, मैं नया डेंचर बना रही हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, ठीक है, उस केस में अगर मैं प्रोस्थेटिक पार्ट की बात करती हूँ तो इंप्रेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर मेरे पास फ्लैबी टिश्यूज है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इंप्रेशन लेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे हम लोग जेआर लेंगे, ठीक है, सेंट्रिक रिलेशन कैसे लेंगे, और तीसरा हम लोग कैसे टीथ सेटिंग करेंगे कि मेरा डेंचर जो हो फ्लैबी टिश्यूज के साथ भी चल जाए अगर मैं सर्जरी नहीं कर रही हूं तो। इंप्रेशन की देखिए दो टेक्निक्स है हमारी, दो इंप्रेशन की टेक्निक्स है जो आपने बहुत सुनी होगी, विंडो टेक्निक, विंडो में से इंप्रेशन भी ले रहे हैं हम लोग इसमें, इसको बोलते हैं सेक्शनल इंप्रेशन टेक्निक, सेक्शनल इंप्रेशन टेक्निक, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं विंडो टेक्निक, ठीक है। दूसरी टेक्निक क्या है, नॉर्मल जनरल जो है सिलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक है, इसमें हम लोग म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन लेते हैं, सेलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। तो हम लोग जो सेक्शनल इंप्रेशन टेक्निक में, विंडो टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सेक्शनल और विंडो टेक्निक में हम लोग सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं, प्राइमरी इंप्रेशन लेने के बाद प्राइमरी कास्ट के ऊपर स्पेशल ट्रे बनाते हैं। जब हमने स्पेशल ट्रे बनाई है तो जहां पे जिस एरिया में, यूजुअली हमने क्या बोला, मैक्सिलरी एंटीरियर एरिया में होता है, तो जिस एरिया में मेरा फ्लैबी टिश्यूज प्रेजेंट है उस एरिया में मैं क्या करती हूँ, स्पेशल ट्रे को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो एक होल बना देती हूँ, मान लीजिए मेरे एंटीरियर मैक्सिला के अंदर प्रेजेंट है, ये मेरा क्या है, स्पेशल ट्रे है, ठीक है, ये मेरे स्पेशल ट्रे में यहाँ पे एंटीरियर मैक्सिला प्रेजेंट है, तो मेरा जो डेंचर बेस, जो मेरी स्पेशल ट्रे होगी वो उसमें क्या बना दिया, देखिए मैंने विंडो बना दिया, तो यहां से क्या बर लेके मैंने इस एरिया को ट्रिम कर दिया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर मोल्डिंग कर रही हूँ। बॉर्डर मोल्डिंग करने के बाद जब ये एरिया बच जाएगा तो इस एरिया में, स्पेसिफिक इस एरिया में इंप्रेशन कौन से मटेरियल से लूंगी, इसमें मैं म्यूकोस्टैटिक मटेरियल से लूंगी बेसिकली, या तो मैं लाइट बॉडी से ले लूं या मैं इंप्रेशन प्लास्टर से ले दूं। तो ये मेरी हो गई है विंडो टेक्निक, इसलिए इसका नाम क्या है, विंडो टेक्निक या सेक्शनल इंप्रेशन टेक्निक। एक पर्टिकुलर सेक्शन में अलग मटेरियल से इंप्रेशन ले रही हूं, या विंडो बना के मैं उस पर्टिकुलर टिश्यूज को, जो फ्लैबी टिश्यूज है उसको अलग से रिकॉर्ड कर रही हूं। दूसरे टेक्निक की हमने बात की थी, ये तो थी हमारी विंडो टेक्निक, ठीक है। दूसरी टेक्निक की हमने बात की थी हमारी जर्नल सेलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक, यानी कि जर्नली हम लोग जो सेलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक जो यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारा सेलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी इंप्रेशन जो है वो म्यूकोस्टेटिक से लेंगे। हम लोग यूजुअली क्या कर रहे थे, इंप्रेशन कंपाउंड से लेके ले रहे थे, म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल से ले रहे थे प्राइमरी इंप्रेशन, लेकिन इस केस में हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन म्यूकोस्टेटिक मटेरियल से लेते हैं, यानी म्यूकोस्टेटिक मतलब जो मेरे म्यूकोसा पे प्रेशर नहीं डाल रहा। देखिए जैसे ही हम लोग, देखिए बेसिक है ये एक चीज, अगर कोई चीज बहुत मोबाइल है ना उस पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो और मोबाइल होगी, तो उस केस में जो चीज बहुत ज्यादा हिल रही है उस केस में हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, कम प्रेशर डालते, तो हमारा मटेरियल ऑफ चॉइस म्यूकोस्टैटिक रहता है। तो म्यूकोस्टैटिक में या तो मैं प्लास्टर से लूंगी इंप्रेशन प्लास्टर से, या अल्जिनेट से मैं प्राइमरी इंप्रेशन लूंगी, और इस केस में सेकेंडरी इंप्रेशन में इंप्रेशन कॉम्पाउंड से लेती हूँ और उसके बाद जेडओई से लेती हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जेआर की, तो जेआर जब मैं जॉ रिलेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्लैबी टिश्यूज के केस में, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मैं कर रही हूँ चेक बाइट टेक्निक,
चेक बाइट टेक्निक से मैं जॉ रिलेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। बोले मैम चेक बाइट टेक्निक क्या, चेक बाइट टेक्निक के अंदर मैं वैक्स वेफर मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है। चेक बाइट टेक्निक के अंदर क्या है, मेरा जो जॉ रिलेशन के लिए मेरा मैंडिबुलर ऑक्लूजल, जो मेरा मैंडिबुलर ऑक्लूजल रिम है उसके अंदर मैंने जेआर टेंटेटिव जेआर लेने के बाद मैंडिबुलर ऑक्लूजल रिम के अंदर ट्रफ बना दिया है ना, क्योंकि सीआर तो रिकॉर्ड करना ही है, जैसे निक एंड नॉच में भी क्या करते हैं ट्रफ ही बनाते हैं, तो हमने क्या किया है नॉचेस बना दिए, ट्रफ बना दिए, तो वो जो है ट्रफ उसको वैक्स वेफर मेथड से जो है सेंट्रिक रिलेशन में बंद कराती हूँ, यानी मुझे सीआर लेना है, सेंट्रिक रिलेशन लेना है। देखिए जॉ रिलेशन आई थिंक आप सबको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ जॉ रिलेशन की, जिसको नहीं पता है जॉ रिलेशन वो प्लीज पता करे कि जॉ रिलेशन क्या होता है, हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके मैं जॉ रिलेशन की वीडियो जल्दी ही डालूं, वो आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपको जॉ रिलेशन समझ आ रहा है बुक से या नहीं समझ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से जॉ रिलेशन पे सेंट्रिक रिलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है बेसिकली सेंट्रिक रिलेशन, बस रट्टा मार लिया, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको सेंट्रिक रिलेशन या जॉ रिलेशन पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो है वैक्स वेफर टेक्निक के अंदर हमने क्या किया है, हमने ट्रफ बना दिया, मैंडिबुलर रिम जो है मेरी मैंडिबुलर रिम के अंदर मैंने क्या किया है डेंट्स बना दिया, ट्रफ बना दिया। अब वो ट्रफ जब मैं पेशेंट को पीछे सेंट्रल रिलेशन में मैंडिबल को पीछे ले जाके बंद करूंगी, तो जो मेरा मटेरियल, जिस मटेरियल में मैं बंद कर रही हूँ सीआर रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मेरा मटेरियल होगा या तो अलूवैक्स होगी, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ज्यादा प्रेशर नहीं, ये प्रेशरलेस टेक्निक से मैं क्या कर रही हूँ सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। यही है हमारी चेक वाइट टेक्निक की प्रेशरलेस यानी वैक्स वेफर टेक्निक। इसमें या तो वैक्स से बंद कर रही हूँ मैं, सॉफ्ट वैक्स से, अलू वैक्स से, या फिर सिलिकॉन से, लाइट बॉडी से कर रही हूँ, या फिर मैं प्लास्टर से बंद कर रही हूँ सेंट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जॉ रिलेशन, यानी बेसिकली प्रेशरलेस जॉ रिलेशन लेना। इम्प्रेशन भी हमने म्यूकोस्टैटिक लिया था, प्रेशरलेस लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर टीथ सेटिंग की, तो तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं कैसा हम टीथ अरेंजमेंट करेंगे अगर मेरे पास फ्लैबी टिश्यूज प्रेजेंट है। तो टीथ सेटिंग कैसी करते हैं हम लोग, न्यूट्रल जोन में हम लोग टीथ सेटिंग करते हैं, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं कि जो मेरे पोस्टीरियर दांत है ना, पोस्टीरियर टीथ जो होंगे वो न्यूट्रल जोन में ही अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल जोन में मैं टीथ अरेंजमेंट करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ ऑक्लूजल टेबल को नैरो कर देती हूँ। ऑक्लूजल टेबल नैरो होगी तो क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, तो मैं ऑक्लूजल टेबल नैरो कैसे कर रही हूँ, मेरी बक्को लिंगल विड्थ जो है, जो मेरा एक पर्टिकुलर दांत है, ये मेरा अगर एक पर्टिकुलर दांत है तो बक्कली और लिंगवली मैंने इसको पतला कर दिया, यानी कि ये मैंने इसको पतला कर दिया, लेंथ उतनी रखी है लेकिन ऐसे पतला कर दिया यहाँ पे अगर मेरी टंग है तो, ठीक है। तो बक्को लिंगवल विड्थ जो है मैंने नैरो कर दिया, तो मेरी ऑक्लूजल टेबल नैरो हो गया, तो उससे कम प्रेशर पड़ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंटली फ्लैबी टिश्यूज के केस में इन्फ्लेमेशन ना हो, आगे बढ़े नहीं, हम लोग पेशेंट को रेगुलर फॉलो अप पे रखते हैं। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है फ्लैबी टिश्यूज, फ्लैबी रिज, इसके अंदर हमने पढ़ा फ्लैबी रिज क्या होती है, रेजिलियंट नहीं, एक्सट्रीमली रेजिलियंट और मोबाइल जो है हमारे टिश्यूज है, और बोन ने रिप्लेस कर दिया फाइब्रस टिश्यूज को, एंटीरियर मैक्सिला में होते हैं, और हमारे कॉम्बिनेशन सिंड्रोम का एक कॉन्सिक्वेंस है ये, फ्लैबी टिश्यूज कॉम्बिनेशन सिंड्रोम से होते हैं, जिसमें सिर्फ नीचे के जो दांत रह जाते हैं और ऊपर के नहीं होते, तो उससे फ्लैबी टिश्यूज हो जाता है, प्रेशर पड़ता है। और हम लोग कब सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कब नॉन सर्जिकल करते हैं, सर्जिकल हम कभी नहीं करेंगे अगर हमारा रेजिडुअल रिज रिजॉल्व है, क्योंकि हम डेंचर कहां प्लेस करेंगे, मेरा वेस्टिबुलर एरिया कम हो जाएगा। तो हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, या तो हम प्रोस्थेटिक कर रहे हैं, या फिर हम रिकवरी कर रहे हैं, नया पेशेंट आ रहा है तो हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि थोड़े दिन तक डेंचर नहीं पहने, जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए उसके बाद हम लोग अपने प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, टिश्यू कंडीशनर पे रखते हैं, रीलाइनिंग करते हैं, ठीक है। और प्रोस्थेटिक पार्ट की अगर हम बात करते हैं, नया पेशेंट कोई मेरे पास आ रहा है, तो इंप्रेशन टेक्निक मेरी या तो विंडो टेक्निक होगी, जो कि मेरी सेक्शनल इंप्रेशन टेक्निक होगी, या फिर जनरल सेलेक्टिव इंप्रेशन टेक्निक होगी। उसके बाद जब जॉ रिलेशन लेंगे तो हम लोग चेक बाइट टेक्निक से लेंगे, उसके अंदर मैं जो सील करूंगी सेंट्रिक रिलेशन पे, वो मेरा अलूवैक्स से होगा, या फिर लाइट बॉडी से होगा, या फिर इंप्रेशन प्लास्टर से होगा, और टीथ सेटिंग मेरी न्यूट्रल जोन में होगी, और मैं ऑक्लूजल टेबल को नैरो करूंगी, कम करूंगी, बक्को लिंगुअल विड्थ कम करूंगी, ताकि प्रेशर कम आए और पेशेंट को पीरियोडिक रिकॉल पे, चेकअप पे बुलाएंगे। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है फ्लैबी रिज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्निंग माउथ सिंड्रोम की, जो कि पेशेंट को, जब हम पेशेंट क्लिनिक में आता है तो पेशेंट का मुंह एकदम जलता है, तो हमें पता नहीं हमें क्या करना है ना उस केसेस में, तो उस केसेस में हम लोग पढ़ेंगे बर्निंग माउथ, और बहुत इंपॉर्टेंट गैगिंग, जो एक बहुत मोस्ट कॉमन हमारा जो है
इम्प्रेशन जो हमने अगर कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं देखिए तो इम्प्रेशन तो प्रोस्टो में लेना ही बनता है, तो इम्प्रेशन लेते हैं तो क्या होता है गैग आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैगिंग को भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो रिलीज हो तो इमीडिएटली आप उसको देख सके। और स्टे ट्यून, देखते रहिए डेंटल पाठशाला।